हेलो, वेलकम टू माय चैनल वार्म अप ब्लूमिंग गार्डन। और आज मैं बात करने वाली हूँ अपने अडेनियम प्लांट की, जो कि कुछ इस तरह की रिपोर्टिंग मैंने की थी अभी कुछ दिन पहले, 1 मंथ पहले मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी। और इसमें फुल फ्लावर ब्लूमिंग हो रही थी तब, और अब इसमें फ्लावर ब्लूमिंग नहीं हो रही है क्योंकि ये पूरी तरह से इसमें फ्लावर आ चुके हैं। और ये बारिश के कारण इसमें काफ़ी पानी भी पड़ चुका है, और बारिश से इसको बचाना होता है एडेनियम को, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं मांगता है ये। और अगर ज़्यादा पानी इसमें पड़ जाने से इसकी पत्तियाँ, लीव्स इसके येलो होने लगते हैं, जो कि कंडीशन कुछ इसी तरह की दिख रही है। लेकिन जस्ट इसके सेम प्लांट और भी है मेरे पास, कि मैंने हार्ड ब्लूमिंग कर दी थी सेकेंड प्लांट की, आप देख सकते हैं। और इसमें नए नए इसमें आ भी गए हैं लीव्स इसमें, और इसमें फिर से फ्लावरिंग होगी। और इसकी फ्लावरिंग भी पूरी कम्प्लीटली हो चुकी थी, लेकिन इसमें भी बारिश का पानी पड़ा है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ है। इसकी ड्रेन होल अच्छा है, लेकिन इसमें ड्रेन होल कुछ कम मुझे सही लग रहा। किस टाइप से मैं कटिंग इसकी करूँगी आप देख सकते हैं, और पहले भी थोड़ी बहुत मैंने कटिंग की है, जिसके कई सारे मैंने प्लांट बना लिए हैं, और 10 से 20 प्लांट मेरे इस प्लांट से बन चुके हैं। और आज मैं इसकी हार्ड ब्लूमिंग फिर से करने वाली हूँ, जो कि आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और टूल्स आप जो भी लें, उस टूल्स को आप सैनिटाइज़ कर लें, जैसे कि मैंने ये टूल्स लिया और सैनिटाइज़ करके मैंने इसको अब कटिंग करने जा रही हूँ। यहाँ से मैं इसकी स्टैम्प को कट करूँगी यहाँ से, और इसकी हार्ड ब्लूमिंग करना ज़रूरी भी होगी, क्योंकि इसकी लीव्स में येलो आ रहा है और इसमें पानी ज़्यादा रुक गया है, इसलिए ऐसा इसकी कोडेक्स में कुछ ख़राबी आ गई। और इसको कटिंग से ही मैंने तैयार किया था, इसलिए इसकी कोडेक्स में ज़्यादा थिकनेस नहीं है। आप देखिए, और काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग फ्लावरिंग इसमें हो चुकी है, जो आपके साथ में फ्लावर मैंने शेयर भी किए हैं, और पिक भी मैं इसकी डालूंगी आपको। कि ऐसी जब कंडीशन हो तो आपको हार्ड ब्लूमिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें बारिश का पानी ज़्यादा ही पड़ गया है। और अब मैं इसकी जब ब्लूमिंग करने जा रही हूँ तो आपके साथ में शेयर करूँगी। इसकी लीव्स को झुकी झुकी सी मुझको लग रही हैं, और इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है। ऐसी कंडीशन में आपको इसकी केयर करनी चाहिए। और इसमें मैंने अभी जल्दी ही रिपोर्टिंग करी थी, लेकिन कुछ इसका ड्रेन होल मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है और फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है। सो आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आप अपने टूल्स को सैनिटाइज़ कर लें, जो भी टूल से आपको कट करना हो उसको आप अच्छे से सैनिटाइज़ कर लें। और मैंने एक बार सैनिटाइज़ कर रखा था, लेकिन फिर से मैं इसको सैनिटाइज़ कर ले रही हूँ आपके सामने। थोड़े हल्के से अच्छे से आप इसको सैनिटाइज़ करते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने इसकी ब्लूमिंग की थी, यहाँ से आप देख सकते हैं लीव्स आ रहे हैं यहाँ, और यहाँ 2 कट्स मैंने किए थे, क्योंकि काफ़ी इसकी स्टैम्प लंबी हो गई थी, और मैं अब इसकी स्टैम्प को यहाँ से कट करूँगी। वन प्लांट मैंने इसका यहाँ से कट कर लिया है, और इसमें अभी बहुत छोटी सी स्टेप है, इसलिए इसको मैंने कट कर रही, और ये बहुत लंबी जा रही है और शेप को ख़राब कर रही, इसलिए मैं इसको भी यहाँ से कट कर रही। और जहाँ भी आपने कट इसका लगाया, तो आप एक फंगीसाइड पाउडर आप इसके ऊपर कट पर जरूर से लगा दें, ताकि यहाँ पर फंगस ना लगने पाए। और मैंने इसमें फंगीसाइड पाउडर लगा दिया है, और इसकी कटिंग को कैसे लगाते हैं अब मैं आपके साथ में वो शेयर करने जा रही हूँ, कि मैंने कटिंग कैसे लगाई हुई है, जो कि आप देख सकते हैं 2 पॉट मैंने रेडी कर रखे हैं इसके। और जो भी कटिंग मैंने इसकी निकाली है, उसको पहले आप फंगीसाइड पाउडर लगा लें इसमें, ये मैंने फंगीसाइड पाउडर को लगा लिया है, और थोड़ी 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें ऐसे ही, और इसमें 2 कटिंग्स बन जाएंगी। इसको भी आप कट कर लें, और आप देख सकते हैं इसमें मैंने 2 कटिंग्स बना ली हैं। इसकी सारी लीव्स को आप हटा दें, येलो लीव्स हैं, इस टाइप से फंगीसाइड पाउडर को आपको लगा लेना है। और इस बड़े गमले से मैं थोड़ी सी मिट्टी को कम कर लूँगी, अब
और मैंने बहुत अच्छे से इसको चेक कर लिया है क्योंकि अभी जल्दी ही रिपोर्टिंग करी थी, तो बहुत आराम से ये सारा पूरा कॉर्डेस इसका निकल आया है। और अब मैं इसके मिट्टी को और भी अच्छे से ड्रेन होल को चेक कर लूँगी, उसके बाद में मैं इसकी रिपोर्टिंग फिर से करूँगी क्योंकि इसमें जो येलो लीव्स होने का था तो ये पूरा पेड़ को ख़राब कर देगा। और आप देख सकते हैं मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है, कटिंग ब्रूनिंग पहले मैंने की, उसके बाद में मैंने रिपोर्टिंग कर दी है। नीचे मैंने गार्डन सॉइल और इसमें बजरी डाला है और इस प्लांट को मैंने रिपोर्ट कर दिया है फिर से इससे निकाल कर। और इसमें अब मैं थोड़ा सा नीम खली मिलाऊंगी, कुछ इस तरह से नीम खली को डाल देंगे जिससे जो फंगस वगैरह लगने की प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी मैं इसमें डालूंगी क्योंकि प्लांट बहुत जल्दी। और आप देख सकते हैं मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है, इसकी ब्रूनिंग भी मैंने अच्छे से कर दी है और इसमें फंगीसाइड लगा दिया है। और अब इसको मैंने इसकी गार्डन सॉइल और इसमें थोड़ी सी बजरी मिलाकर इसकी रिपोर्टिंग भी कर दी है फिर से, क्योंकि इसमें ड्रेन होल इसका ठीक नहीं था, इसको पूरे प्लांट का रिपोर्ट मुझे करना पड़ा। और अब मैंने इसमें ज़्यादा बजरी वाली मिट्टी मिलाई है, जिस 10 डेज़ के बाद में इसमें क्या रिज़ल्ट आता है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और अभी तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है और अच्छे से इसके सॉइल को चेंज कर दिया है और इसमें सैंड और मिट्टी ज़्यादा मिली हुई थी इसलिए इसमें इसका ड्रेन होल सही से नहीं, इसमें पानी निकल रहा था। और इसकी मिट्टी भी को भी कम कर दी क्योंकि पॉट बड़ा है इसलिए इसमें मिट्टी को कम करना ही था, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रखना है और थोड़ी जगह रहने देनी है। और इसकी अभी मैं इसमें वाटरिंग भी नहीं कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा इसकी नमी सूख जाए फिर मैं इसकी वाटरिंग करूँगी। और इस टाइप से कटिंग को मैंने फंगीसाइड पाउडर में लगा रखा है और इसकी कटिंग मैंने उसी से निकाली थी। और इस टाइप के डिस्पोजल बॉक्स में आप लगा सकते हैं छोटी कटिंग को, और बड़े गमले में मैं इसको नहीं शिफ्ट करने वाली हूँ, पहले मैं देखती हूँ इसकी कटिंग लगती है या नहीं, फिर मैं बड़े पॉट में इसको मिट्टी तैयार करके रिपोर्ट करूँगी। और आप देख सकते हैं तीनों कटिंग को मैंने अच्छे से इसमें लगा दिया और उसकी वाटरिंग भी कर दी है। और ऐसे ही आप कटिंग को लगा सकते हैं और ज़्यादातर इसमें सैंड या बजरी में ही आप इसको लगाएं। और इसको छाया में आपको रखना है 2 से 3 दिन, फिर इसको आप प्रॉपर धूप में रख सकते हैं। और कुछ इस तरह से कटिंग होने के बाद आप देख सकते हैं इसकी वाटरिंग करी और पूरा पानी ड्रेन से निकल चुका है और अब इसका ड्रेन होल अच्छा हो गया है। और आपको इसके अच्छे से इसको नेचर को समझना चाहिए, जब इसकी पत्तियाँ लीव्स इसके येलो होने लगे तो आप समझ लेंगे इसमें वाटर कहीं ना कहीं रुक रहा है और इसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं। और अगर इसमें फंगस लगता है तो इसकी पत्तियाँ काली होने लगती हैं और ये झुकने लगती हैं और पानी की कमी के कारण इसकी पत्तियाँ श्रिंक भी होने लगती हैं। तो आपको नेचर इसका एडेनियम का समझना चाहिए। और आई होप आपको मेरा ये एडेनियम केयर अच्छा लगा होगा और जल्द ही इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपको दिखाऊँगी। और ये दूसरा प्लांट आप देख सकते हैं हेल्दी प्लांट है और इसमें अच्छी नई लीव्स आ रही हैं, जल्दी ही ब्लूमिंग होगी फिर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और आई होप आपको मेरा यह एडेनियम केयर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल वामा ब्लूमिंग गार्डन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।